अभी हम जो है मैं आपको जो है एक मैनुअल अटेंडेंस का फॉर्मेट बना के दिखाने वाले हैं, मैनुअल जी। आप लोगों को जो है उसको ऑटोमेट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मंथ डाल दिया और मंथ है हमारा जुलाई, जुलाई 21। अब यहाँ पे डालने से दिक्कत होता है, तो यहाँ पे 7/8/2021 एक जुलाई दिख रहा है इसके। इसको हम कस्टम फॉर्मेट पे आते हैं और कस्टम फॉर्मेट में यहाँ हम ले लिए, फिर यहाँ पे पर्सन्स के नेम हो गए, पूजा उसी नाम छोटा सा नाम लेते हैं। और यहाँ पे फिर डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई और यहाँ फिर हमने डेट डाल दिया और इस डेट को हमने आगे बढ़ा दिया कहाँ तक, 31 जुलाई तक। और ऊपर में हमने टेक्स्ट फॉर्मूला, इसे माफ कीजिएगा, 1 जुलाई को कौन सा दिन था वह दिन देख लेते हैं। दिन है आपका 1 जुलाई को थर्सडे, ठीक है। और यहाँ सैटरडे एंड संडे को हमें कलर करना था येलो कलर ताकि वो वीकेंड समझा जाए। अब ये चीज सारी हम मैनुअल कर रहे हैं। उसके बाद पूरे को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये हमारी 1 महीने की फॉर्मेट तैयार हो गई। राइट सर, हेलो, ये हमारे 1 महीने का फॉर्मेट तैयार हो गया। अब मैं अगस्त में आऊँ, आपके सामने दिख रहा है, अब मैं अगस्त में आऊँगा तो मुझे पूरा काम दोबारा करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे डेट चेंज करने के, फिर ड्रैग करना होगा, फिर से संडे मंडे लिखना होगा, फिर से कलर करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। और जैसे कि लीव है, किसी ने लीव ले रखा है तो उसको हमें कोई और कलर करना है, तो जितने भी लीव होंगे उसको अलग अलग कलर करना पड़ेगा। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल करके इस रिपोर्ट को ऑटोमेट करें। ऑटोमेशन मतलब कि मैं एक जगह पर डेट चेंज करूं तो बाकी डेट ऑटोमेटिक सारा चेंज हो जाए, डेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, कलर अपने हिसाब से ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, या मंथ और ईयर जो है ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। और जैसे कि अब एल डिलीट किया मैंने तो यहाँ कलर भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कलर अपने आप हट जाए, जहाँ पे एल लिखूँ जहाँ पे ए लिखूँ वहाँ पे ऑटोमेटिक कलर आ जाए, ठीक है। समझे सके नहीं सर, मतलब कि मैं हर महीने फॉर्मेट डिजाइन करना नहीं चाहता हूँ, मैं हर महीने फॉर्मेट डिजाइन करना नहीं चाहता हूँ, एक ही फॉर्मेट हर महीने चलता रहे, ये आपको करके लाना है।